अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं YouTube चैनल और Facebook पेज इरहा अली। आज भाई मैं और इरहा बना रहे हैं ईमान इरहा की आपी पकौड़ों का सामान, फिर पकौड़े निकालेंगे भी क्योंकि आज सर्दी बहुत है, संडे है। आज हम बनाएंगे पकौड़े। वेल इरहा, सारे निके निके प्यार आलू एंड दे रहन दिते भी तू ए मैं आप खेलूंगी। निके निके आलू बैठा ली रख ली। आलू और पालक वाले पकौड़े बड़े बड़े सारे पाले ने ओ आलू का सैड बना लिए जरा पालक। पालक वाले पकौड़े खाएंगे आज हम। बिस्मिल्लाह से पाल लो अबू। बिस्मिल्लाह अगर पकौड़ों का ज्यादा मजा लेना है तो पालक और आलू जो है बिल्कुल बारीक बारीक काट करें, इस तरह जिस तरह मैं काट रहा हूं, फिर पकौड़े मजेदार बनेंगे आपके। फुल मतंजन डाल के इसमें इधर आ जा, तू आ जा पहले। थोड़ा
कम ज्यादा टमाटर सुखा धनिया पाल भी थोड़ा जे स्पेशल पकौड़े बनते हैं मेरे ते बनते पै गई एक करारी तो आ गई जनाब हल्दी हल्दी फिर उतो आ गया एमए नमकियात नमक आ गया और पा अजकल का नमक बहु फिका जेड़ा समान कुटिया सी वो आ गया हले तो बेचा खट्टा भी पैना है भी मान नचोड़ दे खट्टा मान खट्टा नचोड़ दी है खट्टा नचोड़ा गया बेसन ऐड हो रहा है अब बन गया जनाब तारी वास्ते बनानी हुंदी जी ओ बना मिक्स अप हो रहा है तत्ता बाहू तत्ता बेहतरीन पकवान पकौड़ों का नुस्खा मैंने बनाया था जो जो मसाला डालना था इसमें लो भाई ताजे पकौड़े सर्दियों की सौगात पकौड़े लो पहला फूल लगा निकलना बिस्मिल्लाह पढ़ के कढ़िए बाहर पहला पूर लाइए खस्ता खस्ता हाल मजेदार पकौड़े निके निके आलू ते निकी निकी पालक दे नाल सब्ज चटनी दही आली सर्दियां दी सही सुगात एक साग ते दूसरा पकौड़े ज्यादा नहीं खाने चाहिए नहीं तो मेदे च ना ऐसा आइटम बंब चलेगा याद करोगे तुसी लो भाई अज दा पकौड़ियां दा हो गया कोटा पूरा मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो च दुआ च याद रखना सलाम अलैकुम खुदा हाफिज़।